नमस्कार मुद्दा गरम में देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। सबसे पहले बात बंगाल की। बंगाल में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे ममता सरकार और टीएमसी में भागम भाग बढ़ती जा रही है। अमित शाह के दौरे से पहले आज ममता बनर्जी को उस वक्त एक बड़ा झटका लगा जब उनके एक और मंत्री राजीव बनर्जी ने पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया और वो राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के लिए राजभवन पहुंचे। खबर है कि राज्यपाल ने उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया है। राजीव बनर्जी ने ममता बनर्जी की बेरुखी को इस्तीफे की वजह बताया और कहा कि उन्हें बगैर जानकारी दिए सिंचाई मंत्री के पद से हटा दिया गया था। और यही नहीं, अपने इस्तीफे की वजह बताते हुए वो भावुक भी हो गए। राजीव बनर्जी फिलहाल ममता सरकार में वन मंत्री थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने इस्तीफे की चिट्ठी भी साझा की। देखिए, बंगाल में जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव पर चुनाव आयोग का बड़ा बयान भी इस बीच सामने आया। दो दिन तक बंगाल में राजनीतिक दलों से मुलाकात के बाद चुनाव आयोग ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें चुनाव आयोग ने बंगाल में शांतिपूर्ण चुनाव कराने पर जोर दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने यह बताया कि उनकी टीम के साथ मुलाकात के दौरान बंगाल के ज्यादातर राजनीतिक दलों ने शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सुरक्षा बल तैनात किए जाने की मांग की है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज कमिटेड टू कंडक्ट फोर्थ कमिंग इलेक्शंस, असेंबली इलेक्शंस इन द स्टेट इन फ्री, फेयर, एथिकल एंड सेफ मैनर, व्हाइल एंडेवरिंग टू इंश्योर higher voter participation amidst peaceful harmonious atmosphere. Election Commission of India is committed to conduct forthcoming elections, assembly elections in the state in free, fair, ethical and safe manner while endeavoring to ensure higher voter participation amidst peaceful harmonious atmosphere. तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे की और क्या रणनीति रहने वाली है चुनाव आयोग की, ये अब दिल्ली पहुंचकर बताने की बात भी कही गई और ये भी जानकारी दी गई कि समय महत्वपूर्ण ये है कि बंगाल में सुरक्षा व्यवस्था सही रहे उस वक्त जब चुनाव हो, तो इसके प्रबंध भी अब किए जाएंगे, उस हिसाब के इंतजाम किए जाएंगे। सुरक्षा की मांग लगातार हर दल, जो भी राजनीतिक दल उनसे मिलने पहुंचे, उन्होंने इस बात का जिक्र किया। आपको बता दें कि चुनाव आयोग की टीम वहां पर मौजूद थी, राजनीतिक दल से उनकी मुलाकात हुई। बीजेपी ने तो यहां पर यह मुद्दा भी उठाया कि वोटर लिस्ट में कुछ और नाम जुड़ रहे हैं, उन पर भी नजर चुनाव आयोग को रखनी चाहिए। अमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। यानी अमित, देखिए, सुरक्षा बल जो एक अहम मुद्दा है बंगाल के लिहाज से, उस पर चुनाव आयोग अब फैसला ले सकती है जल्दी कुछ? जी हाँ बिल्कुल अर्पिता, और जिस तरीके से बीजेपी लगातार डिमांड कर रही थी कि जो सेंट्रल फोर्सेस है उसे डिप्लॉय किया जाए पश्चिम बंगाल में चुनाव के को लेकर, और उसी वजह से अब जिस तरीके से डिमांड हो रही थी, अब चुनाव आयोग ने साफ साफ कर दिया है कि हिंसा को लेकर जो लगातार रैलियों में लगातार हिंसा हो रही थी, बीजेपी टीएमसी पर आरोप लगाती थी, टीएमसी बीजेपी पर आरोप लगाती थी। मैं सबसे पहले एक तस्वीर आपको यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ। शुभेंदु अधिकारी की यहाँ रैली होनी है, 2 किलोमीटर की यह पदयात्रा है, पैदल मार्च करेंगे शुभेंदु अधिकारी। यहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो पूर्वी मिदनापुर का जो इलाका है, न्यू दीघा से लेकर ओल्ड दीघा, वो गेरुआ, चाहे वो गुब्बारा हो, चाहे वो बीजेपी का फ्लैग हो, आप देख सकते हैं किस तरीके से गेरुआ मैं हो गया है। यहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कई कार्यकर्ता हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, सीधे हम इनसे बात करते हैं। हालांकि ये जो है बीजेपी के कार्यकर्ता, ये बताइए, अब जो है चुनाव आयोग ने भी कह दिया है साफ साफ कि हिंसा को लेकर सुरक्षा एक उनके पहली प्रायोरिटी होगी। हाँ, वो जरूर, मैं हिंसा के लिए प्रायोरिटी तो मुझे जरूर देना होगा, क्योंकि मेरा बात करती हूँ, मैं बीजेपी से क्यों आया, मुझे दीदी का कुछ बात मुझे अच्छा नहीं लगा। पहले तो मैंने, उन्होंने बोला था कि 6 महीने के अंदर मैं शिल्प उठा के दिखाऊंगी, लेकिन अंदर के जो लोग हैं, बहुत सारे लोग बाहर जाती है अंदर। यहाँ का मुद्दा मैं आपको एक बार तस्वीरें यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए, एक बार तस्वीरें देखिए यहाँ पर किस तरीके से ये जो पूरा सड़क है न्यू दीघा से लेकर ओल्ड दीघा तक, किस तरीके से यहाँ पर बीजेपी के झंडे और गेरुए रंग के जो गुब्बारा है वो आपको हर तरफ दिखेगा। यहाँ पर गाड़ियाँ भी आपको काफ़ी ज़्यादा दिखेंगे या दिखेगा यहाँ पर तस्वीरों में। देखिए किस तरीके से अब ये जो सड़क है पूरी तरीके से गेरुआ मय हो गया है। शुभेंदु अधिकारी यहाँ पर पैदल मार्च वो करेंगे, 2 किलोमीटर का ये पैदल मार्च है, और उसके बाद शुभेंदु अधिकारी लोगों को संबोधित करेंगे, और हर तरफ जो नारे हैं यहाँ पर जय श्री
राम के नारे लगाए जा रहे हैं। अर्पिता यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मैं एक और तस्वीर आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। देखिए किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी की रैली को लेकर यहाँ पर पूरी तैयारी है। यहाँ पर हालांकि 2 बजे ये रैली शुरू होने वाली थी, लेकिन बताया जा रहा है कि अब 3 बजे यहाँ पर शुरू होगी, यानी कुछ ही देर में यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी पहुँचने वाले हैं। तो जहां देखिए एक तरफ बीजेपी ने अपनी पूरी रणनीति तय कर ली है, वहीं बंगाल में चुनाव से पहले राज्य में सियासी वार पलटवार तीखे होते दिखे।